नाजरीन, ये डन्ना शास्तर है। ये एक पिकनिक स्पॉट है, नहायत ही शानदार है, नेचुरल माहौल है, वेदर बड़ा फेवरेट है, हालात बड़े साजगार हैं, हवाएं बहुत खूबसूरत हैं और फिजाएं भी बहुत ही अच्छी। यहाँ पर फैमिलीज पिकनिक का स्पॉट समझ के यहाँ पर आते हैं और इंजॉय करते हैं, सिचुएशंस आते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, मसलन पानी नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह बैठने की जगह नहीं है। अगर इस तरफ एलजी गवर्नमेंट जो है इस वक्त तवज्जो दे और एडमिनिस्ट्रेशन बकिया मुंसलिक तवज्जो दे तो इस जगह को फ्लरिश किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है और यहाँ भी एक शानदार पिकनिक स्पॉट बनाई जा सकती है। अभी भी इसको नेचुरल पिकनिक स्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। हमारी जितने भी यहाँ के लोगों से बात हुई, जो यहाँ पर विजिटर्स हैं आए हुए हैं, उनसे बात हुई, सब ने यही कहा है कि अगर थोड़ी सी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ दे देती है तो ये जगह कमाल हो जाएगी और ये बहुत खूबसूरत और नेचुरल जगह है और सेफ भी है। यहाँ पर दूर दूर से, दूर दराज जगहों से जो हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से, इवन आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी जो हैं वो लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। बस सभी की यही डिमांड है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ तवज्जो दे और फिर यहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह से कश्मीर के मकामात जो हैं, इस तरह के जहाँ पिकनिक स्पॉट्स बनाई गई हैं, तो यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट की जाए और इस को खसूसी डन्ना शास्तार को खसूसी तौर पर जो है वो पिकनिक स्पॉट्स के तौर पर पब्लिश किया जाए, मेंशन किया जाए और इसको रिकॉर्ड में लाया जाए। यहाँ कई जो है वो गवर्नमेंट जो है चाहे तो यहाँ शॉप्स यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकती है और कैंप्स यहाँ पर लगवाए जा सकते हैं और दिगर एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। नौजवानों को इस तरफ मोड़ा जा सकता है कि वो नशा की एक्टिविटी छोड़कर इधर आ जाएं।